निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, एक जगह माइनर प्लेट्स दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन, उनका स्थान दिया गया है, सही ढंग से मेल खाती है? कोकोस प्लेट दक्षिण अमरीका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, नजका प्लेट मध्य अमरीका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, कैरोलिन प्लेट फिलिपीन और भारतीय प्लेट के बीच में है, फिलिपीन प्लेट ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है। देखते हैं तो ये प्लेटें चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक तेल अन्वेषण कंपनी के साथ मिलकर वैज्ञानिकों ने हिमालय की तलहटी में भ्रंशों की एक श्रृंखला खोजी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि मिजोरम में दो भ्रंश मिले थे जिसके कारण मिजोरम क्षेत्र में भूकंप आ रहे थे। तो ये एक पूरी श्रृंखला हिमालय के क्षेत्रों में मिल रही है भ्रंश की। भ्रंश क्या करते हैं, दो प्लेटों को अलग करने का कार्य करते हैं, तो जिसकी वजह से छोटी छोटी प्लेटें भी चर्चा में है, इसलिए प्लेट्स पे ये क्वेश्चन बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट हैं, जैसे कोकोस प्लेट मध्य अमरीका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, नजका प्लेट दक्षिण अमरीका प्रशांत के बीच में है, अरेबियन प्लेट ये ज्यादातर सऊदी अरब के अंतर्गत है, गलत है, सऊदी अरब के भूआबद्ध है, इस तरह से है ये। फिलिपीन प्लेट एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है, कैरोलिन प्लेट फिलिपीन और भारतीय प्लेट के बीच में है, फूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्व। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये कैरोलिन प्लेट फिलिपीन और भारतीय प्लेट के बीच में है, ये दोनों गलत है। कोकोस प्लेट में आएगा मध्य अमरीका प्रशांत, नजका में आएगा दक्षिण अमरीका प्रशांत, इस वजह से गलत है। सही आंसर क्या है इसका, सी, कैरोलिन प्लेट फिलिपीन और भारतीय प्लेट के बीच में है। क्योंकि प्लेट और भ्रंश ये सब काफी चर्चा में है इस बार, तो इनसे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। प्लेट पे भ्रंश पे इनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। पिछले लेक्चर में हमने मिजोरम का क्वेश्चन देखा था और अब ये ओवरऑल पूरा हिमालय क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विटामिन डी के बारे में सही है? यह बसा में घुलनशील विटामिन है, यह सभी खाद्य पदार्थों में नेचुरल रूप से पाया जाता है, किसी भी खाद्य पदार्थ में ये मिलता है, इसकी कमी बच्चों में रिकेट्स को रोकती है, अगर ये कम हो जाए तो इसमें कम होने से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। देखते हैं तो क्यों चर्चा में है। ये स्टेटमेंट तो पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये गलत है, कमी थोड़े ना रिकेट्स को रोकेगी, अगर ये पर्याप्त मात्रा में यूज करा जा रहा होगा तब रिकेट्स की बीमारी नहीं होगी। तो कई बार हम क्वेश्चन को नॉलेज ना होने पे ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों है। कोविड-19 महामारी के दौरान विटामिन डी के महत्व पर चर्चा हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर, निमोनिया, मोटापा, धूम्रपान इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो वो कोविड-19 के लिए अधिक वल्नरेबल हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। मिलता कैसे है विटामिन डी, तो प्राकृतिक रूप से फल सब्जियों में नहीं मिलता, जब हम सौर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं ये त्वचा पर पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल आधारित अणुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और तब इसका निर्माण होता है, सूर्य की धूप के संपर्क में आने पर तब इसका निर्माण होता है, सभी पदार्थों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। विटामिन डी बसा में घुलनशील विटामिन है, यह बसा में और तेलों में घुल जाता है और बसा में घुलनशील है तो शरीर को इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है और लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है बसा में और तेल में। इसको विटामिन डी को हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने के लिए प्रयोग करा जाता है। अगर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाए तो हम हड्डी में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, हड्डियां क्षण भंगुर हो जाती हैं, अस्थि सुस्थिरता आ जाती है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां गलने लगती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं। ये विटामिन डी का महत्व है और अभी हमने देखा कोरोना के काल में भी, कोरोना से लड़ने में भी विटामिन डी का रोल है, ये भी हमने देखा। अगर भारत की बात करें तो भारत में सौर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद भी ये निष्कर्ष आए हैं कि भारत में चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण, चाहे कोई भी आयु वर्ग हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे धनी निर्धन हो, इनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए इनको क्या अनुपूरक खुराक दी जाए, फल सब्जियों में तो ये मिलेगा नहीं, इस पे अभी चर्चा की जा रही है और ये काफी चर्चा में है। अगर विटामिन डी की कमी एक बच्चे में हो तब तो उसे हो जाती है रिकेट्स बीमारी, उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स,
और विटामिन डी की कमी किसी वयस्क में हो जाए एडल्ट में, तब उसको बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया। ठीक, वो जो स्टेटमेंट है देखते हैं क्या सही हो जाएगा। इसकी कमी से रिकेट्स को रोकती है? नहीं, इसकी कमी रिकेट्स को करती है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टो मलेशिया। सभी खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है? गलत। सनलाइट के संपर्क में आने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मिलने से बनता है। बसा में घुलनशील विटामिन है, ये ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है, सही पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल वन। गलत पूछा होता तब क्या हो जाता? C2N3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये कन्वेंशन भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ एक प्रोटोकॉल है। यहां से तस्करी नहीं होने के लिए है ये प्रोटोकॉल। UNCAT, भारत ने इसको हस्ताक्षर किया है किंतु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। तो पहले तो देखते हैं ये UNCAT चर्चा में क्यों है, तो फिर देखेंगे भारत ने इस पर हस्ताक्षर करे हैं, इसकी संपुष्टि करी है या नहीं करी है। हाल ही में आपने केस सुना होगा तमिलनाडु के सथानकुलम का। यहाँ पे एक पिता पुत्र की जो जेल में टोर्चर करके मृत्यु हो गई थी, जेल में टोर्चर के कारण, जिसकी वजह से ये टॉर्चर के अगेंस्ट में जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र का वो चर्चा में है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। संक्षेप में इसे ये कहा जाता है, इसका पूरा नाम तो ये है UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, यातना और अन्य क्रूर अमान या अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसरण। ये पूरा नाम है लेकिन संक्षेप में इसे बस इतना जाना जाता है, UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। चर्चा में क्यों है ये हमने जान लिया। उद्देश्य इसका पता चल गया कि इस प्रकार की यातनाओं को रोकना, कम करना। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है लेकिन इसे अभी अभी पुष्ट नहीं किया है, मतलब संसद से इसे पास अभी नहीं कराया गया है। तो देखते हैं, पहला वाला गलत हो जाएगा, ये तस्करी से संबंधित नहीं है, ये टॉर्चर से संबंधित है। ठीक, नाम में लिखा है यातना के खिलाफ। दूसरा ये सही हो जाएगा, भारत ने हस्ताक्षर किया है किंतु अभी इसकी संपुष्टि नहीं की है। सही पूछे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। सही नहीं कर दें तब आंसर क्या हो जाएगा? केवल वन। तो अभी हमारा आंसर हो गया बी, केवल टू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर ऑर्बिटर ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंतरिक्ष मिशन है। ये जो अंतरिक्ष मिशन है सौर ऑर्बिटर, इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा इन दोनों का संयुक्त मिशन है, ये कह रहा पहला कथन। दूसरा, सौर कोरोना सूर्य के वातावरण की सबसे बाहरी परत है, देखते हैं तो क्यों चर्चा में है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा इन दोनों का संयुक्त मिशन है सौर ऑर्बिटर। इन्होंने इसी वर्ष फरवरी में इसे लॉन्च किया था और इसने अब सूर्य के सबसे नजदीक से उसकी इमेज भेजना शुरू करा है। तो इसने उसके चित्र भेजे हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में है। इस चित्र में सूर्य पर लघु लगते हैं जिन्हें कैंप फायर कहा गया है। इनका आकार कितना है फिर उस सब की चर्चा करी गई है। यह लघु सौर लहरें कोरोना के अत्यधिक तप्त होने का कारण हो सकती हैं। कहा जा रहा है जो कोरोना अधिक तप्त है ये उसका कारण हो सकती है। कोरोना सूर्य का बाह्य वातावरण है जो सूर्य की सतह से अधिक गर्म है। ये सूर्य का आउटर एटमोस्फियर है, उसकी सबसे बाहरी परत है, जिस वजह से ये चर्चा में है। सौर ऑर्बिटर मिशन के बारे में ये लिखा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है, फरवरी 2020 में लॉन्च करा गया है, 7 वर्षों के लिए करा गया है। पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों की तस्वीरें भेजेगा। तो इन सबको आप यहाँ पढ़ लेना। आंसर देखते हैं हमारा, सौर ऑर्बिटर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त मिशन है, ठीक है। सौर कोरोना सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन अभी चेक करते हैं क्या पूछा है। सही है, ठीक है, तब सही ही रहेगा। सही नहीं है, अगर डी हो जाता। इसको जरूर चेक करना है, वरना एक या दो क्वेश्चन को हर कोई एग्जाम में गलत करके आता है इसको ना चेक करने की वजह से। ठीक, तो इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक दो क्वेश्चन की लीड आपको वैसे ही मिल जाती है, आपको बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय परीक्षण और अनुशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानन बोर्ड NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है।
एनएबीएल क्यूसीआई का घटक है, ठीक, ये पूछा है पहले में। नंबर दो, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय भारत गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई के लिए नोडल मंत्रालय है, देखते हैं क्यों चर्चा में है। देखिए इसका काम क्या है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, नाम से ही पता चल गया, लेबोरेटरीज आदि को मान्यता प्रदान करता है। तो कोरोना के समय में उसकी जांच कौन सी लेबोरेटरी में हो सकती है, उस प्रकार की मान्यताएं कौन प्रदान करेगा, एनएबीएल, ठीक। और एनएबीएल क्यूसीआई भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक है, तो ये भी ठीक हो गया स्टेटमेंट। एनएबीएल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में नहीं आता, स्वायत्त निकाय है, किसके तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, ठीक। देखते हैं तो इसका आंसर, पहले वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ये नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, सही पूछे हैं, आंसर हो जाएगा ए। एक क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल निश्चयस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।